हे गाइस, स्वागत आपका हमारे इस नई वीडियो में। टाउन हॉल 14 का थर्ड स्नीक पीक आउट हो चुका है। थर्ड स्नीक पीक जिसमें हमें एक बैटल हट मिला है। बैटल हट का मतलब अब हमारी जो बिल्डर हट्स है वो भी एज ए डिफेंस काम करेगी। मतलब पांच बिल्डर हट्स अपने पास होती है, सिक्स्थ होती है मास्टर बिल्डर, वो नहीं होगी। देखिए बिल्डर हट्स का देखिए रिपेयर पर सेकेंड्स होता है, मतलब रिपेयर पर सेकेंड्स होगा इसमें। मतलब वो किसी भी डिफेंस को जिसके पास आप इसको प्लेस करेंगे उसको रिपेयर करेगी। लेवल 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे, उनके रिपेयर पर सेकेंड्स फिफ्थ में जो मैक्स आउट रहता है उसमें रहेगा 60 रिपेयर्स पर सेकेंड। सिक्स्थ जो बिल्डर है हमारा ऑटो जिसको बोलते हैं बिल्डर बेस का, वो एज ए डिफेंस काम नहीं करेगा। सेकेंड लेवल 2 का आप देख सकते हैं यहाँ पे अपग्रेड करने में 9 दिन और 23 घंटे लगेंगे। और अपग्रेड करने के बाद में आप देखिए बिल्डर एक्चुअल में काम नहीं करेगा, वो सो रहा होगा। स्टैट्स आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कि क्या स्टैट्स आएंगे। फोर्थ का जैसे कि मैंने बताया 60 रिपेयर्स पर सेकंड करेगा वो, और इस तरीके से बिल्डर हट दिखेगी। अब उसमें क्या रहेगा, हट बनने के बाद में एज ए मिनी क्रॉसबो काम करेगी बिल्डर हट। बिल्डर हट एज ए मिनी क्रॉसबो काम करेगी, फर्स्ट में भी, लेवल 1 में नहीं करेगी, लेवल 2, 3, 4 में करेगी। तो लेवल 1 अगर है और अपन इस पे अगर आरसी की एबिलिटी यूज करते हैं तो वो आरसी इस पे डैमेज नहीं देगी। रिसर्च इसमें देखिए, आप देखिए बिल्डर ऐसे घूमता रहेगा इसके पास में डिप्लॉय करने के बाद में, लेकिन बिल्डर को आप डैमेज नहीं दे सकते। बिल्डर इम्यून है, मतलब ये अमर है, इसको आप नहीं कर सकते। लेकिन डिफेंस ऐसे काम करेगा मिनी क्रॉसबो के जैसे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर एक बर्बेरियन हम छोड़ के देखते हैं तो बिल्डर देखिए उसके पास में आया नहीं अभी तक, क्योंकि उसने उस पर डिफेंस पर हमला नहीं किया था। अब देखिए उस पर हमला किया तो बिल्डर उसको रिपेयर करने लग गया। तो इस तरीके से हम पूरे वीडियो में इसी को देखेंगे। उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, मेरे काम को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनाता जाऊँगा। देखिए इसमें आप जैसे ही अपन बारबेरियंस इस पर डिप्लॉय करते जा रहे हैं, बिल्डर बड़े अच्छे तरीके से उसको रिपेयर करता जा रहा है। तो बहुत अच्छा अपडेट लग रहा है ये टाउन हॉल 14। मुझे टाउन हॉल 13 से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ स्पेशल इसमें कर रहा है सुपर सेल। और देखिए एक नीचे पिट है, उसमें अंदर बिल्डर अपना चला जाता है, मतलब बिल्डर इम्यून है, उसको आप डैमेज नहीं दे सकते। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टाउन हॉल के पास हमने चारों बिल्डर हट्स को मैक्सिमम करके रखी है। ऊपर की स्टार्टिंग की जो दें उनके 5 टाइल्स का गैप है, और नीचे वाले में जो 2 है उनमें 4 टाइल्स का गैप है। और इसमें एक चीज़ और अपन नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों जगह अटैक कर रहा है, एयर पे भी और ग्राउंड पे भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर अपन को देखने में लग रहा है तो ये मतलब सिर्फ ग्राउंड पे ही अटैक करेगा या एयर पे ही अटैक करेगा, दोनों जगह करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कुछ डैमेज करे या तो इस पे अपन फ्रीज स्पेल यूज कर सकते हैं, या फिर हम इस पे लाइटनिंग स्पेल यूज कर सकते हैं, या फिर पॉइजन स्पेल यूज कर सकते हैं ताकि बिल्डर उसको रिपेयर ना करे, या पॉइजन से स्लो डाउन उसको कर सकते हैं। पॉइजन से स्लो डाउन बिल्डर हो जाएगा और डिफेंस अपना जो अपनी ट्रूप्स है उसको मार सकती है। तो डिफेंस जो बेस बिल्डर्स है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है ये। बेस बिल्डिंग एकदम चेंज होने वाली है टाउन हॉल 14 के लेवल पे, तो ध्यान देने वाली बात है। मैं जैसे बता रहा था 5 टाइल्स के गैप की और 4 टाइल के गैप में 2-2 बिल्डर हट्स हमने रख दी है। तो क्या करेगा बिल्डर, क्या करता है, एक और प्रॉपर्टी है इसकी, क्या एल्गोरिदम है, अगर 4 टाइल्स के गैप में अगर 2 बिल्डर्स रहेंगे, एक पे अगर हमने डैमेज दिया तो बिल्डर अपना टारगेट रीटारगेट करेगा। जैसे मान लो फर्स्ट पे अगर कर रहा है तो बिल्डर अगर उस पर डैमेज दे दिया तो वो बिल्डर सेकंड वाला 5 टाइल्स के गैप में है तो वो इस पर नहीं आएगा, वो उसके चक्कर राउंड में चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन अगर इस पर करेगा तो सेकंड वाला बिल्डर भी इस पर आ जाएगा। मतलब अगर हम 4 टाइल्स के गैप में अगर बिल्डर हट्स को प्लेस करेंगे तो जो तीनों बाकी बिल्डर्स है जिस बिल्डिंग पे भी डैमेज होगा वो आके इसको रिपेयर करने लग जाएगा। अब अगर वो उस बिल्डिंग को रिपेयर हो गया, बिल्डर ने टारगेट को देखिए आप देख लिया होगा कि दोनों बिल्डर्स एक ही उस पे हट पे आ गए हैं, तो 4 टाइल के गेम में बिल्डिंग्स को वो आराम से रिपेयर करेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि 4 टाइल्स के गेम में बिल्डर आपस में उसको एक साथ मिलकर रिटारगेट करेगा अपने टारगेट को, और रेंज को ओवरलैप करेगा अगर 4 टाइल्स के गैप में, तो फिर ये मतलब रिटारगेट करेगा अपने टारगेट को। तो ध्यान देने वाली बात है 60 रिपेयर्स पर सेकंड होगा। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए
कि बिल्डर अपने टारगेट रीटारगेट करता है। लेकिन आप यहाँ पे वीडियो में गौर से देखिए क्या हो रहा है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले गौर से देखिए क्या हुआ है। बिल्डर स्विच करके दूसरे टारगेट पे आया, लेकिन उस पर अगर क्वीन डिप्लॉय करके आपने उसके डिफेंस को तोड़ दिया तो वो बिल्डर गायब हो जाता है। मतलब उस एक बिल्डर दूसरे बिल्डर पे तभी आएगा दूसरी बिल्डिंग पे जब तक उसकी हट है, अगर हट डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर वो गायब हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम किसी भी बेस पे अटैक करेंगे तो हम अब उस पर अगर किसी भी एक हट को अपन को डैमेज देना है तो अपन लाइटनिंग स्पेल या फिर अर्थक्वेक स्पेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी के साथ हम शील्ड को अगर अपने सही यूज नहीं किया तो वो बिल्डर्स उसको रिपेयर करने लग जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा इन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, एल्गोरिदम बहुत अच्छा है इनका, मुझे बहुत पसंद आया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये बहुत अच्छा फीचर लग रहा है। बिल्डर तभी काम करेगा, ध्यान देने वाली बात है कि वो बिल्डर हट उसकी जब तक रहेगी बेस पे। अब ये देखिए इसमें 60 पर सेकेंड वो रिपेयर करता है, लेकिन अगर 5 बिल्डर मिलके है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, सभी को एक बिल्डिंग के पास ना लगाए, अलग अलग बिल्डिंग के पास लगाए, दो को भले ही लगा दे लेकिन पूरों को एक साथ टाउन हॉल के पास लगाना भी कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी इसमें। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अदरवाइज तो डिफेंस को डाउन ही नहीं होने देंगे। तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि बिल्डर हट जितने जल्दी आप उनको डैमेज दे और उनको डिस्ट्रॉय कर दे सबसे ज़्यादा बेटर है। इसमें देखिए अगर एक बिल्डिंग पे आपका डैमेज हो रहा है तो सारे के सारे एक साथ वहाँ पे जाके उसको रिपेयर करने लग रहे हैं और वो बारबेरियन से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। एक नया अचीवमेंट भी आया अपने रिवार्ड पोर्शन में, जो अचीवमेंट रहता है पर्सनल रिवार्ड। और एक और अलग चीज़ आई है, इन द नेक्स्ट प्रीव्यू वी आस्क व्हाट इज़ ए हीरोज बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज एग्जैक्टली वाज द मिस्टीरियस ओवल इन द हैमर जैम वीडियो। तो ओवल कुछ आने वाला है, मैं इसके लिए आपको कुछ बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। उससे पहले मैं एक गेम प्ले दिखाना चाहूँगा आपको, रियल गेम प्ले कैसे होने वाला है थोड़ा सा इलोबरेट करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखेंगे कि कैसे, जैसे क्वीन चार्ज कर रहे हैं, क्वीन चार्ज यहाँ पे करते हुए जो बिल्डर हट्स उसके पास लगे हुए हैं तो बिल्डर हट्स उसको रिपेयर कर रहे हैं, विजिट टावर्स के पास जा जाके उसको रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन क्वीन की एबिलिटी, क्वीन के पास और हीलर्स अब काफ़ी, क्वीन का लेवल भी इंक्रीज हो गया है और हीलर्स का लेवल भी एक इंक्रीज हो गया है, तो क्वीन चार्ज बड़ा आसान हो गया है। टाउन हॉल 14 मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया है, क्योंकि सुपर मिनियंस को एक तो नर्फ कर दिया है, सीसी में सुपर मिनियंस अब इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे जितने कि पहले थे। लेकिन तो इसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि बिल्डर हट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस डिफेंस होने वाला है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मिस किया, जैसे कि सुपर सेल की क्लैश ऑफ क्लांस की स्पेशलिटी है, अगर आपने थोड़ा सा 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हुआ तो आपका अटैक फेल हो जाएगा। ये लगता आसान है लेकिन करना, एग्जीक्यूट करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे कि हाइब्रिड अटैक्स हम देखते हैं, देखिए इसमें देखिए बिल्डर हट्स टाउन हॉल को रिपेयर करने में लग रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 60 अगर 5 है तो 300 पर सेकंड रिपेयर नहीं करेंगे, तो पूरे एक साथ लगाने का फ़ायदा नहीं है। क्वीन चार्ज में हम देख रहे हैं कि क्वीन आसानी से उसको टेकडाउन कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा डिफेंस लग रहा है। आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वाला स्नीक पीक, और अपने कमेंट्स प्लीज़ इसमें शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, किसी सभी के रिप्लाई करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए टाउन हॉल के पास में अगर हम वार्डन वॉक करवाते हैं तो वार्डन क्या अपनी एबिलिटी के साथ, हीलर्स के साथ इसको टाउन हॉल को डैमेज कर सकता है, वो देखने वाली बात है। TH 13 के केस में हम वार्डन वॉक से TH को डाउन कर लेते थे, लेकिन इसमें देखते हैं कि वार्डन वॉक कितना इफेक्टिव रहता है। गेम प्ले और भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लास्ट स्नीक पीक कल आने वाला है दोस्तों, तो आप बने रहिए ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, मैं उस स्नीक पीक को कवर करूंगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कल या परसों में अपडेट जरूर पुश करेगा, मंडे का वेट मुझे नहीं लग रहा कि स्पेशल करेगा, क्योंकि कल लास्ट स्नीक पीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं टाउन हॉल पे अभी तक वार्डन ने अटैक नहीं किया, अब शुरू किया है, तो वार्डन क्या इसको टेक डाउन कर पाएगा। एक रेज स्पेल और हील्स के साथ, और हील्स का एक लेवल बढ़ा हुआ भी है, तो टाउन हॉल को अभी तक डैमेज नहीं दे पाया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, क्योंकि एक बिल्डर लगा हुआ है। अगर दो होते तो थोड़ा सा ज़्यादा और रिपेयर होता, तो वार्डन एक बिल्डर हट की वजह से ही वार्डन वॉक से हम टाउन हॉल को टेक डाउन नहीं कर पाए एक रेज स्पेल के साथ, दूसरा रेज स्पेल या फिर उसकी एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, एक बिल्डर हट किसी भी डिफेंस के साथ लगाना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कल आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है दोस्तों, तो आपको पहले एक वीडियो देखिए उसमें समझ में आएगा, जो कि सुपरसेल ने क्लैश ऑफ क्लांस के ट्विटर हैंडल से ये शेयर किया था, देखिए।
Lonely? Could they do with a friend? Introducing Clash Pets. Barbarian King just loves his Loki. Grand Warden's wonderful Wendy. Archer Queen and her terrific Ted. Royal Champion's most excellent Edgar. Get your hero Clash Pets today. मैंने देखे ट्विटर हैंडल का उनका स्नैपशॉट डाला है, तो क्लैश ऑफ क्लांस में हीरोज का पैट्स आएंगे, पैट्स आने वाले हैं, देखिए प्रोफाइल ऐसे दिखने वाली है और पैट्स में क्या रहेगा, मुझे लग रहा है एक ओवल रहेगा किसी ना किसी का, और बाकी ये आप स्नैपशॉट में देख सकते हैं क्या क्या रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्नीक पिक में, टाटा बाय, गुड नाइट।